है दादी एक्स ब्लॉक एलिमेंट। एक्स ब्लॉक तत्व देखो समझ लो ये जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं यहां पर ये इन्हें बोलते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 एलिमेंटों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनमें केवल इसकी स्थिति अभी निश्चित नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको इसको सत्य में वर्ग भी माना जाता है लेकिन इसी काउंटिंग यहीं पर होती है। तो इस टाइम पर ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। इस एस ब्लॉक एलिमेंट में सारी जितनी भी है आपको ये सब धातु है इलेक्ट्रॉनिक बेस पर। इनके लास्ट सेल में अंतिम कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन इनके में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके में दो इलेक्ट्रॉन होती है। इन्हें आसानी से त्यागकर धनायन बना लेते हैं तो इसलिए धातु का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इन्हें बोलते हैं क्षारीय धातु क्योंकि क्षारीय मृदा धातु। ये क्षार धातु इसलिए बहुत जल्दी क्रिया कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं इसलिए क्षार धातु है। ये क्षारीय मृदा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सब पृथ्वी से प्राप्त होती है। ठीक है, इनके जो गुण है पहला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो NS1.2 सेल में जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, जो लास्ट वाली कक्षा होगी उसमें एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एस में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कितना होता है एटम नंबर, मैंने आपको बताया था निकाल लिया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सबको पता है कि वन होता है, वन में प्लस टू कर दीजिए कितना हो जाएगा थ्री हो गया, थ्री में प्लस एट कर दीजिए कितना हो जाएगा इलेवन, इलेवन में फिर प्लस एट कर दीजिए तो इसका हो गया, अब 19 में 18 प्लस कर दीजिए कितना हो गया 37, 37 में फिर 18 प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 55, 55 में 32 प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा 87। तो ये इनके परमाणु क्रमांक आ गए। इसमें पहले दो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उसके बाद फिर दोनों में 8 8 फिर 18 18 फिर 32। ये इनके परमाणु क्रमांक निकालने की विधि है, निकाल लोगे ऐसे इसको देखोगे इसका कितना होता है 4। तो अब ये यहां से सेट हुआ है तो क्या जोड़ोगे इसमें, इसमें 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12, उसमें फिर 8 जोड़ दो 20, कैल्शियम का गया इसमें 18 जोड़ दीजिए कितना हो गया 38 हो गया। इसमें आप क्या जोड़ोगे फिर 18 जोड़ दीजिए 56, अब इसमें 32 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 88। निकाल ही सकते तो हाइड्रोजन कितना हो गया 1 3 11 19 और 55। ऐसे इसको बेरियम कितना हो गया 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, इसका 38, 56 और 88। ठीक है निकालना है। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन टेस्ट करना आपको 11 का 2 8 1। तो लास्ट कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है 8, कक्षाओं की संख्या कितनी है 1 2 3। तो जहां एन है ये कक्षाओं की संख्या है, तो जो कक्षा की संख्या हो यहां पर रख दीजिए कितने हो जाएगी 3s। तो इन सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, वहां पर 3s 4s1 5s1 6s1 आ जाएगा। कर लोगे सबका। उसके बाद आता है सेकंड, इसमें देखो 12 मैग्नीशियम होता है,
दो आठ दो तो कितनी हो गया वो तीन, क्या हो जाएगा थ्री एस, इसलिए आया एन एक्स वन से टू, इनका वन आ जाएगा इनका टू आ जाएगा। और देखो कैल्शियम का होता है ट्वेंटी टू एट एट टू, तो फोर कक्षा हो गई तो क्या हो जाएगा फोर एस, समय आ गया। उसके बाद नोट करना किसी को, सेकंड पॉइंट देखो इनका, धन विद्युतीय लक्षण, किसी भी एलिमेंट पर या तत्व पर चार्ज कब आता है, ये प्लस या के प्लस ये कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही क्या प्लस आ जाता है। तो इन सब तत्वों की अंतिम कक्षा में एक और दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बना लेते हैं। कैसे, जैसे सोडियम के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, एक धनायन हो गया। ऐसी मैग्नीशियम के अंतिम कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, कैल्शियम के पास भी दो होते हैं। इसका मतलब यह जितने भी एलिमेंट है सबके सब धन विद्युत लक्षण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अपनी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बना लेते हैं, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक संयोजकता, संयोजकता किसे किसे कहते हैं, कोई बताएगा खड़ा होता है, इन तत्वों के कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं या किसी भी तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं वो उसी संयोजकता होती है अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन। जैसे पोटेशियम का होता है 19 इलेक्ट्रॉन में नेक्स्ट किया आपने 2881, इसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो इसी संयोजकता कितनी हो गई एक, तो इसलिए जो क्षार धातु है उन सबकी संयोजकता होती है 1 और क्षार धातुओं की 2, क्योंकि इनके दो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, ठीक है, पोटेशियम की 1 और कैल्शियम की 2, तो इन सब की संयुक्ता 1 होती है और संयुक्ता 2 होती है। अब दूसरा आता ऑक्सीकरण अवस्था, इसे यहीं लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट, अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। संयुक्ता का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं, संयुक्ता होगी। अब साझेदारी करने में इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्लस और माइनस दोनों की होती है, संयुक्ता केवल प्लस में आती है। तो जैसे अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन था सोडियम के पास अंतिम कक्षा में, तो उसने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो प्लस 1 होगी, मतलब जितने भी एलिमेंट है इन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 1 होगी और इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 होगी, समझ में आ गया, क्योंकि अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, बाकी कल